हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। होपफुली एवरीवन इज फाइन। सो गाइज, अगर आप एक न्यू लर्नर हैं एंड फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। लाइफ साइंस से रेलिवेंट आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑन अन अकेडमी ऑल्सो। वहां पर आप मुझे CSI UGC नेट लाइफ साइंसेस के लिए फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आप मेरा नाम वहां सर्च करेंगे तो वहां आपको मेरी प्रोफाइल पिक दिखाई देगी जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, दैट इज गुरु मंत्र, ताकि वहां पर आपको सारे अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट ई बुक्स, नोट्स, लिंक्स, फ्री क्लासेस के मिलते रहे। अन अकेडमी पर आई यूज टू टेक मेनी यूनिट्स जो आपकी मदद करती है बहुत सारे लाइफ साइंसेज एग्जाम्स को क्लियर करने में। यूनिट्स का नंबर यहाँ मेंशन है। इसके अलावा भी आई डू टेक मेनी पार्ट्स। बेसिक्स से स्टार्ट करना इज ऑलवेज अ की स्ट्रैटेजी जो मैं अपनाती हूँ। कुछ कोर्सेज पेड कोर्सेज होते हैं, कुछ क्लासेस फ्री क्लासेज होती हैं, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन अकेडमी का, जिसके लिए आप सिंपली नेहा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। करंटली आप देख सकते हैं बहुत सारे लाइफ साइंसेज के कोर्सेज रनिंग है फॉर अपकमिंग एग्जाम। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेरीज, चाहे वो प्लस से रेलिवेंट हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से रेलिवेंट हो, या कोई एक जनरल क्वेरी हो जो कि आपको परेशान कर रही हो। सिंपली आपको नेहा रेफरल कोड यूज करना है ड्यूरिंग टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फ्री क्लासेस होती है उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो यहाँ मेंशन है, एंड फ्री क्लासेस का स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस के साथ पोल्स आर ऑल्सो देयर। रेज अ हैंड नया फीचर है जो अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए लाया गया है, ताकि रियल टाइम में आप अपने एडुकेटर से बात करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सके। नोटिफिकेशंस आर ऑलवेज देयर अकॉर्डिंग विद द लेक्चर नोट्स। तो ज्वाइन करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें, एंड गुरुमंत्र टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आप लोगों के लिए एक ईज रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो होपफुली गाइस आप लोग सेफ हैं, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को अच्छे से स्टडी कर लिया। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, दैट वाज चैप्टर नंबर 13। उससे रिलेटेड हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, एज वेल एज हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया था कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता क्या है, ये प्रोसेस होती क्या है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करने वाली हैं, दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लास्ट लेक्चर में आपने ये तो देख लिया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स कि लाइट की प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस होना बाय प्लांट्स। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए आपको पता है कुछ पिगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिगमेंट इज योर क्लोरोफिल पिगमेंट। अब उस क्लोरोफिल के भी कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं, कौन से फर्दर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर, उनके बारे में हम लोग कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अक्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट शोज दैट कलर that we see in leaves is not due to single pigment but due to four pigments. तो leaf के अंदर आपको जो green color देखने को मिलता है वो केवल और केवल एक pigment की वजह से नहीं होता, उसके लिए चार basic pigments की requirement होती है, okay? Chlorophyll A, that is bright or blue green in color, ठीक है। Chlorophyll A होता है जिसका color bright blue या फिर blue green होता है। क्लोरोफिल बी जिसका कलर येलो ग्रीन होता है, जेंटोफिल जो कि आपका येलो कलर का होता है, एंड कैरोटीनॉइड्स दैट इज येलो टू येलोइश ऑरेंज इन कलर। सो फिलहाल के लिए आपको सबसे पहले क्लोरोफिल के जो चार आपको इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स बता दिए हैं उनका कलर याद होना चाहिए,
कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए क्लोरोफिल बी जो है वो किस कलर का होता है. ओके, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये जो पिगमेंट्स हैं, ये जो क्लोरोफिल है, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इनका काम क्या होता है. तो पिगमेंट्स आर दी सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्सॉर्ब लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ. तो पिगमेंट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, जो कि लाइट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं. किस वेवलेंथ पे? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ पे. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेवलेंथ एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए दैट इज इन द ब्लू एंड रेड इन रीजन. सो बेसिकली हमने बात करी कि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे काम करते हैं. तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है क्लोरोफिल ए का वो ब्लू या फिर रेड रीजन के अंदर होता है. ठीक है, इसीलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है दैट इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि क्लोरोफिल ए जो है वही आपका चीफ पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है. ओके, अब आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ्स गिवन है. ठीक है, ये देखो, सबसे पहला ग्राफ आपको दे रखा है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स. क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स जो हैं दैट इज अ क्लोरोफिल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल, उनका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से है. तो काफी बार एग्जाम के अंदर ये फिगर आपसे पूछ लिया जाता है, ये डायग्राम आपसे पूछ लिया जाता है, कि आपको कोई भी ग्राफ पूछा जा सकता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय O2 रिलीज. ठीक है, फिर आपको ये दे रखा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितनी होती है और एब्जॉर्प्शन कितना होता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर. तो ये जो लास्ट वाला ग्राफ है, ग्राफ सी एज वेल एज फिगर ए जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रा. सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रा. तो मेजरली तो आपका जो फोटोसिंथेसिस होगा दैट विल अकर इन द रीजन ऑफ रेड एज वेल एज इन द रीजन ऑफ ब्लू कलर, जबकि विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स पे आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बिल्कुल हो सकती है. क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट. अदर थैलेकोइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स विच आर कॉल्ड द एसेसरी पिगमेंट. तो अब इंपॉर्टेंट लाइन क्या आ जाती है कि चीफ पिगमेंट की बात करते हो तो चीफ पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, जबकि एसेसरी पिगमेंट्स की अगर आप बात करते हो तो एसेसरी पिगमेंट्स आपके पास तीन हैं, दैट इज क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स एज वेल एज कैरोटिनॉइड्स. ओके, तो ये बात हमने कर ली यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शंस. सो नेचर के अंदर आपके पास दो तरीके की रिएक्शन होती है, वन ऑफ देम इज लाइट रिएक्शन एंड अनदर वन इज डार्क रिएक्शन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट व्हाट इज लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन होती क्या है? सबसे पहले लाइट रिएक्शन को आप फोटोकेमिकल फेज भी बोल सकते हो. फोटोकेमिकल फेज दैट इंक्लूड्स द लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर की स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स दैट इज ATP एंड NADPH. तो क्वेश्चन आपका यहां से इस पॉइंट से डेफिनेटली पूछा जा सकता है. किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि लाइट रिएक्शन है या फिर फोटोकेमिकल फेज है, उस फेज के अंदर क्या होता है? ठीक है, तो क्या क्या होता है? लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिट होता है. वाटर क्यों स्प्लिट होता है? ताकि ऑक्सीजन निकल सके. ठीक है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स बनते हैं लाइक आपका ATP हो गया, NADPH हो गया एटसेट्रा. ओके, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इंटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस विद द फोटो सिस्टम वन एज वेल एज फोटो सिस्टम टू. ठीक है, दो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो फोटो सिस्टम वन है और फोटो सिस्टम टू है, ये इनके डिस्कवरी के बेसिस पे नाम दिया गया है. ठीक है, द LHC आर मेड अप ऑफ hundreds ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू the प्रोटीन. ये जो आपका लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ये hundreds ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है.
Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting complex called the antenna molecule. Okay, the pigment helps to make photosynthesis more efficient by absorbing the different wavelengths of light. तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को मोर फीजिबल बनाने के लिए हेल्प करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब ये जो आपके पास फोटोसिस्टम वन होता है, फोटोसिस्टम टू होता है, इनके पास रिएक्शन सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो चांसेस ये होंगे कि फोटोसिस्टम वन जो है उसके पास रिएक्शन सेंटर कौन सा है, एज वेल एज वहां पे कितने वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो सकती है. सिमिलर क्वेश्चन बनेगा फॉर फोटोसिंथेसिस टू. तो उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, उसका आंसर आपको मिलेगा ये लास्ट पैराग्राफ के अंदर. दैट इज इन फोटोसिस्टम वन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर. तो सबसे पहले पीएस वन के अंदर जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है उसके पास कितने वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज 700 नैनोमीटर. ओके, फिर हेंस इट इज कॉल्ड P700. इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, P700. वाइल इन PS सेकेंड, दैट इज योर PS फोटोसिस्टम सेकेंड, हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 680 नैनोमीटर. PS2 के पास, फोटोसिस्टम 2 के पास एब्जॉर्प्शन कितने पे हो रहा है, कितनी वेवलेंथ पे हो रहा है, 680 नैनोमीटर पे. इसीलिए इसे हम P680 के नाम से भी जानते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिस्टम वन एज वेल एज फोटोसिस्टम टू. सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम टू जो आप नाम दे रहे हो ये किस बेसिस पे हैं, दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ दियर डिस्कवरी. किस बेसिस पे हैं ये, डिस्कवरी के बेसिस पे, ना कि सीक्वेंस की किस फंक्शन में, मतलब कौन से नंबर पे कौन सा फोटोसिस्टम काम करेगा, इस ऑर्डर में ये नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है. तो सबसे पहले देखो क्या होगा कि फोटोसिस्टम के बारे में आपने जान लिया, फोटोसिस्टम वन आपके पास है, फोटोसिस्टम टू आपके पास है. अब सबसे पहले आपका फोटोसिस्टम टू जो होगा वो काम करना स्टार्ट करता है. तो इन फोटोसिस्टम टू द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट. सबसे पहले कौन सा सिस्टम काम करेगा, फोटोसिस्टम टू. इसीलिए आपको ऊपर बोला गया था कि ये जो फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम टू है ये सीक्वेंस डिस्कवरी के बेसिस पे नंबर दिया गया है, उनके फंक्शन के बेसिस पे नहीं दिया गया. क्योंकि फंक्शन में अगर देखा जाए तो पहले फोटोसिस्टम टू काम करना स्टार्ट करता है. तो इन फोटोसिस्टम टू रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ रेड लाइट. ठीक है, वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी जैसे ही फोटोसिस्टम टू ने, उसकी वजह से क्या होगा, कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड. इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे. अब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो वो अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जंप कर जाते हैं. ठीक है, सो कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू द ऑर्बिट फादर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच पासेस देम टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम. तो जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने आपकी लाइट को एब्जॉर्ब किया एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, दैट इज 680 नैनोमीटर इन केस ऑफ फोटोसिस्टम टू, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर जंप कर गए दूसरे ऑर्बिट के अंदर. वो उनसे क्या होगा कि उनसे आपका यहां पे देखो ये दे रखा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप कर गए वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि एसोसिएटेड होंगे विथ साइटोक्रोम्स. ठीक है, फिर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल. फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होगी वो डाउनहिल की तरफ मूव कर जाएगी. किसके केस में, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे आप रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल भी बोलते हो. ये देखो यहाँ पे लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स था, लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन मूव करे, इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करे उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ लिया. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ा तो ये कौन सा सिस्टम चल रहा था, सबसे पहले फोटोसिस्टम टू. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने जैसे एक्सेप्ट किया फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी हो गई, डाउनहिल आ गई. फिर डाउनहिल आ गई, ठीक है,
अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो यहाँ पे साइटोक्रोम्स प्रेजेंट थे डिफरेंट, उनके थ्रू डाउनहिल मूवमेंट हुई। अब यही सेम इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ चला जाएगा, एलएचसी, मतलब कि आप बोल सकते हो कि फोटोसिस्टम वन के पास जा रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट ऑफ फोटोसिस्टम PS1। ठीक है, साइमल्टेनियसली अब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फोटोसिस्टम वन में वो भी एक्साइटेड होंगे, पर वो किस वेवलेंथ पे एक्साइटेड होंगे, वो होंगे वेवलेंथ 700 नैनोमीटर पे एक्साइटेड। ठीक है, फिर आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज अ ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। ओके, दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव डाउन हिल अगेन, फिर से इलेक्ट्रॉन वापस से डाउन हिल आएंगे, लेकिन इस टाइम क्या होगा, एनर्जी रिच, यहां पे एनर्जी रिच होंगे NAD+ के केस में। ठीक है, द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसेस NAD+ टू NADPH+H+। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि PS1 के पास जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो किस चीज का कन्वर्जन होगा, क्या कन्वर्जन होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एड होना स्टार्ट होंगे तो ये रिड्यूस कर देंगे NAD+ को NADPH+H+ के अंदर। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द PS2 अपहिल टू द एक्सेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1 एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउन हिल टू NAD+ रिड्यूसिंग इट टू NADPH+H+ इज कॉल्ड जेड स्कीम। तो जेड स्कीम क्या है, जेड स्कीम का मतलब है कि सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 ने काम किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गए इलेक्ट्रॉन, फिर वो गए फोटोसिस्टम 1 के पास, वहां से वापस से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, वापस से डाउनहिल आए, इस कंप्लीट जो चेन को आप बोल रहे हो अपहिल होना इलेक्ट्रॉन का फिर डाउनहिल होना, इसे आप नाम दे देते हो जेड स्कीम। ये देखो यहां से आपको एक जेड स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसे आप बोल रहे हो जेड स्कीम ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, राइट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं, हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली, PS2 के पास भी इलेक्ट्रॉन कहां से आए, फोटोसिस्टम 2 के पास भी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू कहां से, वो कैसे सप्लाई कर रहा है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस्ड, दिस इज अचीव बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटोसिस्टम 2 ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिया सबसे पहले, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की कमी तो फोटोसिस्टम 2 में भी होगी क्योंकि फोटोसिस्टम 2 को छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए भी तो हमें कोई चाहिए, तो उसकी कमी कहां से पूरी होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। अब समझ में आया कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता क्यों है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है एक तो O2 के रिलीज के लिए एज वेल एज इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, दिस इज अचीव बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्यों होता है, सबसे पहले O2 के रिलीज के लिए एज वेल एज इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये बन जाता है कि ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है ये कौन से फोटोसिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है विद फोटोसिस्टम 2। मोर अप्रोप्रिएटली आंसर आपका जाएगा फोटोसिस्टम 2। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। वाटर इज स्प्लिट इंटू 2H+, ठीक है, O एंड इलेक्ट्रॉन्स। दिस क्रिएट ऑक्सीजन वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से आपको पहले पिछले लेक्चर के अंदर बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस जब भी होगी तो ऑक्सीजन का रिलीज होता है, राइट। द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय द फोटोसिस्टम 2। और इस तरीके से आपकी ये जो चेन है इलेक्ट्रॉन की ये चलती जाती है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आपको यहाँ पे दिखा रखा है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हालांकि पूछी नहीं जाती, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। वी नीड टू एम्फेसाइज हियर दैट वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द PS2। जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, PS2 के साथ, आपको NCERT बुक ने डायरेक्टली बोल दिया है। Which itself is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid. Again, a very important question. NCERT book आपको directly बता रही है कि ये जो process हो रही है, splitting of water हो रहा है, ये PS2 के साथ तो associated है, ठीक है, ये तो हम समझ गए, लेकिन ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है located on the inner side of the membrane of thylakoids. ठीक है,
तो आज हमने तीन टॉपिक कवर कर लिए हैं। नंबर वन आपने लास्ट टॉपिक देखा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसके अलावा आपने यहाँ पे देख लिया इलेक्ट्रॉन चेन, उसके अलावा आपने ऊपर की तरफ देखा था क्लोरोफिल या फिर आप बोल सकते हो कि लाइट पिगमेंट्स जो थे, लाइट रिएक्शंस जो थी वो कैसे हो रही थी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन को हम लोग बहुत अच्छे से करते जा रहे हैं, राइट। अब आपको एक बार इसको रीड करना है बुक को, फिर आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।